हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको लेकर आई हूँ मेरे छोटे से गार्डन में। और मैंने यहाँ पे लगाई है तुरई की बेल और जिसे लगी है एक तुरई। तो इस तुरई से हम आज बनाएंगे तुरई के पकोड़े। तो चलो देखते हैं कि हम ये पकोड़े कैसे बनाते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन ले लिया है। इसी में हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप इसके जगह पे चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ले लिया है। और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक और लास्ट में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके जगह पे आप धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और बेसन का एक घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे पानी का जो इस्तेमाल है हमें थोड़ा थोड़ा करके ही करना है ताकि हमारा जो घोल है वो ज़्यादा पतला ना बने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो घोल है वो काफ़ी गाढ़ा है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। अब फिर से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो घोल है वो बनके तैयार है। ये ज़्यादा पतला नहीं है ना ज़्यादा गाढ़ा है, हमें इसे इसी कंसिस्टेंसी में बनाना है। तो ये घोल बनके रेडी है, तो इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और तब तक हम तुरई के पीसेस बना लेते हैं। तो तुरई को मैंने अच्छे से पानी में धो लिया है। अब इसके ऊपर जो ये रेशाएँ बनी होती हैं हमें ये सारी रेशाएँ निकाल देनी है। तो एक स्क्रैपर के मदद से इस तरह से ये सारी जो रेशाएँ हैं वो छील दें। तुरई जो है वो दो तरह की होती है। जो प्लेन तुरई होती है उसे आपको इस तरह से छीलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके डायरेक्ट पीसेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तुरई जो है वो छिलके हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है पहले वो हम निकाल देते हैं। तो तुरई को हम इस तरह से गोल आकार में कट कर लेते हैं। तो तुरई को हमने काट लिया है, हमें इस साइज़ में इसे काटना है। इसे हल्का सा मोटा रखें ताकि आसानी हो पकोड़े बनाने के लिए। तो एक तुरई के इतने सारे पीसेस बन गए हैं। अब हम पकोड़े बनाने के लिए ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। गैस को जो है मीडियम फ्लेम पे ही रखें। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। पकौड़े तलने से पहले हमने जो बेसन का घोल बनाया था हम उसमें 2 चुटकी भर मीठा सोडा जो है वो ऐड कर देते हैं। मीठा सोडा डालने से हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। सोडा मिक्स होने के बाद हमने जो तुरई के पीसेस बना लिए थे वो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। सारे एक साथ ना ऐड करें, इसमें थोड़े से हम ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे तलने के लिए ले लेते हैं। तो एक तरफ हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा बेसन का घोल डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर ये ऊपर आ जाए इसका मतलब जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पे बेसन का घोल बनाया था उसमें हमें ये तुरई के पीसेस डिप करने हैं। उसे कोट हो जाने पर हमें ये कढ़ाई में छोड़ देने हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के पीसेस भी अच्छे से कोट कर लेते हैं और तेल में छोड़ देते हैं। तो एक वक्त में आप 5 से 6 पीसेस कढ़ाई में डाल दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, इसीलिए जो पकौड़े हैं वो ऊपर आ चुके हैं। तो इसे बस हल्के हाथों से चलाते रहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड से ये बन चुके हैं। तो अब हम इसे पलट देते हैं। वाह, ये कितने बढ़िया लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये फूल चुके हैं। गैस को जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रख के इसे फ्राई कर लें। ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं, इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये 1 से 2 मिनट में फ्राई होके बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों तरफ से भी हो चुके हैं। पकोड़े जो है अच्छे से तल चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में टिश्यू पेपर ज़रूर रखिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक हो सके। तो इस तरह से हम सारे पकोड़ों को निकाल लेते हैं और इस तरह के जो बेसन के एक्स्ट्रा ड्रॉप्स होते हैं जो तेल में पड़ते हैं उसे भी निकाल दें। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पकोड़े भी तल लेते हैं।
तुरई के पीसेस को बेसन के घोल में अच्छे से डिप कर लें और एक एक करके तेल में छोड़ दें। गैस को जो है मीडियम फ्लेम पे ही रखें ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे जो पकोड़े हैं वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो हमारे तुरई के पकोड़े जो है बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप तुरई की सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पकोड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अगर अपने खुद के गार्डन में उगाई हुई तुरई हो तो उसका तो स्वाद तो लाजवाब होता है। तो अगली बार आप जब भी तुरई लाएं तो सब्ज़ी की जगह पे इन पकोड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।